आज हम याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने इतिहास को खोज रहे हैं, हम अपने महापुरुषों को ढूंढ रहे हैं। स्थापित मान्यताओं से अलग जाकर हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इस देश में एक नई संस्कृति नई संस्कृति का अनुसरण करते हुए, एक नई संस्कृति नहीं कहना चाहिए, उस पुरानी संस्कृति को जीवित किया और उन विचारों को दोबारा से समाज में रखा जो इस देश में बराबरी की, भाईचारे की और समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो भाइयों, आज बहुत अच्छा दिन है, हम उपस्थित हुए हैं इस बात को याद करने के लिए और हम उन सभी उन महापुरुषों को याद करते हैं जो इस संघर्ष को आगे लेके जा रहे हैं और जिन्होंने इस संघर्ष को जीवित रखा। इस देश में मूलतः दो विचारधाराएं शुरू से रही। आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, ज़्यादातर बहुत ही बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप इतिहास को अगर जो अध्ययन करेंगे तो साफ पाएंगे कि यहाँ पे एक शोषण की विचारधारा है और एक जो विचारधारा है समानता की, बराबरी की विचारधारा है, न्याय की विचारधारा है। हम उस विचारधारा से आते हैं जिसमें न्याय है, जिसमें समानता है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, मान्यवर काशीराम जी हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, उस परंपरा के हम वंशज हैं। भाइयों, अभी एक हमारे सर हमें समझा रहे थे कि किस प्रकार शब्दों के माध्यम से खेलते हुए किसी व्यक्ति को जलील किया जा सकता है, उसका आत्मविश्वास तोड़ा जा सकता है। आप सोच के देखिए कि आप उस डिस्कोर्स, उस विमर्श में पैदा हुए हैं, उस विमर्श में जी रहे हैं जहाँ पर आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पल पल लोगों ने जाल बिछा रखा। तो आप लोगों को अगर जो उस जाल को तोड़ना है, आपको एक विचारधारा मिल गई है, एक पक्का रास्ता मिल गया है जिसे मान्यवर काशीराम जी ने, बाबा साहब जी ने बड़े संघर्षों से स्थापित किया है। आप संगठित होइए, इस विचारधारा के साथ चलिए तो आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में हम इस देश में एक नया भारत बना सकते हैं, एक ऐसा भारत बना सकते हैं जिसमें इस शोषण से मुक्ति के रास्ते हम खोल सकते हैं। हम एक ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा यहाँ समाज बनाने की कल्पना है। मान्यवर काशीराम जी को अगर जो कुछ लोगों ने पढ़ा हो, ज़्यादातर उन्होंने कम ही लिखा है पर भाषण बहुत हैं उनके, लिखित में भाषण हैं उनके, साक्षात्कार हैं, आप उनको पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसा भारत बनाना चाहते थे या कैसा देश बनाना चाहते थे। इसके साथ में दो तीन बातों पे और कहना चाहूँगा। मैं भीमाकार कोरेगांव पे थोड़ा बोलना चाहूँगा, मैं थोड़ा जिग्नेश मेवानी के बारे में बात करना चाहूँगा और थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं हार्दिक पटेल के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भीमा कोरेगांव पर। भाइयों, इंडिया गेट आप सबने देखा है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कि इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए उन भारतीय सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया जो वहाँ पे अंग्रेजी सेना में जर्मनी की सेना से लड़ते हुए मारे गए। उनके वो नमन करने के लिए बार बार राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, परंतु एक देश की सोच का, परंपराओं के लोग अगर जो अपने महापुरुषों को नमन करने के लिए जाते हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर, जाने वाले लोगों पर हिंसा की जाती है। कोई अपनी 3 साल की बेटी को लेके जा रहा है, कोई 5 साल की बच्ची को लेके जा रहा है, कोई 2 साल के लड़के को लेके जा रहा है, तो क्या वह युद्ध करने के लिए जा रहा है? परंतु इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि आप अपनी पहचान बनाएं। इन्हें क्यों बर्दाश्त नहीं है? इन्हें आपकी जाति से कोई दिक्कत नहीं है, आपके जाति से इन्हें कोई दिक्कत नहीं। इन्हें दिक्कत जब है जब आप अपने इतिहास को ढूंढने चलते हो, आप अपनी परंपराओं को ढूंढने चलते हो। तो भाइयों, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा जिग्नेश मेवानी पे, एक थोड़ा सी सर कह रहे हैं कि वाइंड अप करने जल्दी से। देखिए, मैं जब इस देश में टीवी को देखता हूँ, समाचार को देखता हूँ या फिर मीडिया को देखता हूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इस देश की खाटी अंबेडकरवादी विचारधारा से निकलने वाला कोई भी नेता टीवी उसे बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहता, उसके बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दिखाना चाहता, उसे बिल्कुल छापना नहीं चाहता, परंतु क्या कारण है कि लगातार जिग्नेश को दिखाया जा रहा है? मेरे को जिग्नेश से कोई द्वेष नहीं है, ना उनसे कोई बैर है, पर सोचिए कि कुछ लोगों का ये जरूर मान्यता है कि इन्हें एक लीडर दे दिया जाए, इन्हें लीडर भी हमारी सोच का दे दिया जाए, जिसे हम लीडर माने वो इनका लीडर हो, और जो लोग लीडर दे रहे हैं उनसे पूछो कि
उनके लोग उसको कितना वोट कर रहे हैं, कितने लोग उनके साथ खड़े हैं जो उनको लीडर बनाना चाहते हैं। तो भाइयों, कहने की बात यह है कि इस देश का जो विमर्श है, जो सारा डिस्कोर्स है, वो कुछ खास लोगों के हाथ में सिमट के है। वो जैसा चाहते हैं प्रचारित करते हैं। काले को बुरा बता दिया तो काला हो गया, काला बुरा हो गया। गोरे को अच्छा बता दिया तो गोरा अच्छा हो गया। इस विमर्श से आप बाहर निकलिए, इस विमर्श से आप अलग हटिए और अपने बहुजन समाज में पैदा हुए महापुरुषों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखिए, पढ़िए। आप लोगों को अपने विचार पहुँचाइए, खुद ही आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे प्रयासों से ही इस देश में एक नई चेतना का जो निर्माण हो रहा है वो एक दिन विस्फोट बन के जरूर निकलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी बात के साथ मैं अब मेरी बात को कहा जा रहा है कि थोड़ा मैं संक्षेप में बात रखूं, तो सब इस बात के साथ मैं कहता हूं जय भीम, नमो भीम।